नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यह है मसूरी। और आज मैं आपको लेकर चलूंगा मसूरी के एक सबसे खूबसूरत स्थान कैंपटी फॉल में। ये जगह मसूरी की सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है और मसूरी में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ पर जरूर आते हैं। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ की सुंदरता को। लोग यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं और यहाँ पर जो मौसम है वो साल भर काफ़ी अच्छा बना रहता है, इसीलिए यही खासियतें इस जगह को इतना बेहतर बनाती हैं। तो हमारे आज के इस वीडियो में मैं दूंगा आपको कंप्लीट डिटेल कि आप यहाँ पर कैसे आएँ, कब आएँ, आपका यहाँ पर कितना खर्चा आएगा। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल दूंगा मैं आपको हमारे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर कैंपटी फॉल आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा मसूरी में। मसूरी आने के लिए आपको पहले देहरादून आना होगा। देहरादून आप आ सकते हैं या तो ट्रेन से, या तो प्लेन से, या तो बस द्वारा। किसी भी तरीके से आप देहरादून में पहुंच सकते हैं। इसके बाद देहरादून से लगभग 32 किलोमीटर दूर है मसूरी, और मसूरी से लगभग 13 किलोमीटर दूर है ये कैंपटी फॉल। तो अगर आप आना चाहते हैं कैंपटी फॉल में, पहले आपको देहरादून आना होगा, देहरादून के बाद आपको मसूरी, और मसूरी से 13 किलोमीटर दूरी पर है कैंपटी फॉल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये झरना है। दरअसल में अभी हम आए हुए हैं बरसात के मौसम में, और इसलिए यहाँ पे भीड़ कम दिख रही है। लेकिन गर्मियों के समय में, जिस टाइम पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, उस टाइम पे यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको जो ये पूल है ये पूरी तरह से भरा हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर मसूरी आने के लिए आप बस से भी आ सकते हैं और टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं। बस आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही मिल जाएगी, और अगर आप टैक्सी बुक करके आना चाहते हैं तो टैक्सी बुक करके भी आ सकते हैं। जो बस का चार्जेस है वो लगभग 70 रुपये रहता है, और टैक्सी के अलग अलग किराए हैं, 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये। ये आपकी गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, इस तरह यहाँ पे चार्जेस रहते हैं। तो इस तरह से आप पहुँच जाएंगे मसूरी। और अगर आप मसूरी से फिर इसके बाद कैंपटी फॉल जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए टैक्सीज चलती हैं जिसमें आप कैंपटी फॉल जा सकते हैं, और यहाँ से कैंपटी फॉल मात्र 13 किलोमीटर दूर है मसूरी से। और हम जो आए हुए हैं, हम आए हैं इस टाइम पे बरसात के समय में, तो बरसात में थोड़ा सा फॉग रहता है। इस कारण से यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला सा हो रखा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन गर्मियों के समय में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ आती है, और सर्दियों के समय में जिस टाइम पर बर्फ़ गिरती है उस समय भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ आती है। और अगर आप यहाँ पर बाइक से आते हैं तो बाइक से आना और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप रास्ते में रुक के कई सारी अच्छी अच्छी लोकेशंस देख सकते हैं। और अगर आप बस से आएंगे तो ये सब नहीं हो पाता है, तो इसलिए अगर आप बाइक से या अपनी कार से आते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है घूमने के लिहाज से। यहाँ पे जो कैंपटी फॉल है, यहाँ पे नहाने का कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये जो टायर्स होते हैं ये लेते हैं या शॉर्ट्स लेते हैं तो इनका कुछ चार्जेस देना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो रही बात इसके चार्जेस की, अब जानते हैं कि ये स्थान कब से फेमस है और क्यों फेमस है। दरअसल में इस जगह की खोज का श्रेय अंग्रेज़ों को जाता है। अंग्रेज़ों के समय में ये जगह उनके चाय पार्टी के लिए एक बेहतरीन स्थान थी। अंग्रेज़ लोगों को जिस टाइम पे गर्मी लगा करती थी शहरों में, तो उस टाइम पे वो इधर मसूरी की तरफ ठंडे इलाकों में आ जाते थे। और जो ये कैंपटी फॉल है, और ये जगह उन्होंने अपने चाय पार्टियों के लिए बनाई हुई थी, इसीलिए वो कैंप में बैठ के जब यहाँ पे चाय पिया करते थे, उन्होंने इसका नाम रख दिया कैंपटी फॉल। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया कैंपटी फॉल। और ये कैंपटी फॉल तब से ही काफ़ी एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, ये आज से नहीं, ये बल्कि बहुत पुराने समय से काफ़ी फेमस है। तो ये थी वो हिस्ट्री कैंपटी फॉल की, जिस कारण इस स्थान का नाम कैंपटी फॉल पड़ा और जिस कारण ये स्थान इतना फेमस है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख ही सकते हैं लोगों को एंजॉय करते हुए। यहाँ पे अगर आप टैक्सी से आते हैं तो टैक्सी आपको ऊपर रोड पे छोड़ देगी, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर नीचे पैदल चल के आना होता है, और पैदल यहाँ पे काफ़ी पहाड़ी से आना पड़ता है। तो आप चाहें तो रोपवे से भी आ सकते हैं, रोपवे की भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है, तो आप रोपवे से चाहें तो उससे आ सकते हैं। 120 रुपये इसका चार्जेस है, उसमें आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और बाकी आप यहाँ की लोकेशन देख ही सकते हैं, काफ़ी बड़ा ये फॉल है और एक प्राकृतिक फॉल है, तो आप इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं और देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ आती है। तो आशा करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आप जब भी मसूरी घूमने के लिए आएंगे तो इस कैंपटी फॉल में आना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब बात रही यहाँ पे रहने और ठहरने की, तो यहाँ पे खाने ठहरने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप चाहें तो मसूरी में रुक सकते हैं, और आप चाहें तो कैंपटी फॉल में भी रुक सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मसूरी में ही होटल कर लें, ताकि आप मसूरी के आसपास और इलाकों में भी घूम सकें। ये मसूरी से 13 किलोमीटर ही दूर है, तो आप यहाँ पे एक दिन में आकर उसके बाद एंजॉय करके वापस मसूरी जा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप मसूरी या कैंप्टी फॉल में रुकते हैं तो इसका चार्जेस 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के बीच में रहता है। आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट हैं जहां पर आपको इसका किराया पता चल जाएगा। आप मसूरी में ही कमरा बुक करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अलावा खाने पीने शॉपिंग करने इन सब के लिए यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यहाँ पर टूर एंड ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।